मथुरा से छाताबा एसोसिएशन के अधिवक्ता गौड़ो के द्वारा किया गया नए सिविल जज का जोरदार स्वागत। अभी हाल में ही आए सिविल न्यायालय छाता में सिविल डिवीजन जज सरान शर्मा का छाता बार एसोसिएशन के सीनियर एवं जूनियर अधिवक्ता गढ़ों के द्वारा छाता बार हॉल में फूल मारा दुपट्टा उड़ाकर जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत समारोह के शुभ अवसर पर नए सिविल जज के अलावा छाता तहसील में नए उप जिला अधिकारी छाता श्वेता व क्षेत्र अधिकारी छाता गौरव त्रिपाठी का भी छाता बार के अध्यक्ष पद अधिकारियों एवं सेमिनार जूनियर अधिवक्ता गढ़ों के द्वारा स्वागत किया गया। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो है वकील साहब ने बोला कि आप जो है बड़ी बात को फेस करके आए हैं वहाँ पे, तो आपको ये लगेगा कि वहाँ पे आपको सीखने जाते हम तो कम है, कम उनसे कम है, पर जितना भी मैं यहाँ पे आके मैंने कोर्ट में देखा है बाकायदा मेरे को तीन चार अधिवक्ताओं के तो नाम भी जो है याद हो गए बुजुर्गानी, और जब वो मेरे सामने बहस करके गए तो मैंने अपने पेशकार साहब स्टेनो बाबू से पूछा कि इन अधिवक्ता का नाम क्या है, काफी नॉलेज है और मुझे कहीं भी जो है मथुरा से कम तो लगे नहीं, जिनमें से अगर मैं कहना चाहूँ तो एक पचौरी जी हैं, राजेश शर्मा जी हैं, मैं काफी डाइस पे भी उनकी तारीफ लगी है क्योंकि उन्होंने जो है इतना शालीनता से सुनते हैं पहली बात तो, और कोर्ट के सामने कभी ऐसा व्यवहार नहीं करते कि जो कोर्ट को लगे कि यार नहीं कि जस्टिस उसमें हर्डल कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं सेक्रेटरी साहब का भी काफी हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ, आज मेरी माता जी वहाँ जयपुर में बहुत खुश होगी कि उन्होंने जो है इतना सम्मान उन्हें दिया है, नो डाउट बहुत ही अच्छी बात है। और एक अधिवक्ता जो भी आए थे उन्होंने कहा था कि हमारे जूनियर्स को भी उसी नजर से देखे जैसे कि हम लोग हैं, तो मैं पहले से ही सोच के आया था कि आज मुझे मंच मिला है तो मैं एक बात जरूर कहूँगा कि जो भी सीनियर एडवोकेट्स हैं वो अपने जूनियर्स को केवल एडजमेंट देने के लिए ना भेजे, उन्हें बहस करने के लिए ताकि वो सीनियर को मिलेगा, चाहे वो मुझसे एक एडजॉर्म करवा दें पर उस दिन उन्हें जो है बहस करने का मौका दें, उनका एक कॉन्फिडेंस जो है डेवलप होगा। क्योंकि मैं ये देख के आऊँ, मैं जब हाईकोर्ट जब ट्रेनिंग चल रही थी तो हाईकोर्ट गया था तो ऐसे एक जस्टिस थे, उन्होंने जो है एक जूनियर जब आर्ग्यू कर रहा था तो वो लड़खड़ा रहा था, तो उन्होंने बोला था कि बेटा तू दो तीन दिन का टाइम और दे रहा हूँ, तो आराम से तैयारी करके आना और जो है वापस से मेरे सामने जो है आर्ग्यू करना, तो ये चीजें आने वाली पीढ़ी को जो है आगे बहुत दे जाएंगी और आपका एक्सपीरियंस उनके काम बहुत आएगा। अब जैसा कि अधिवक्ता मैं सिर्फ दो शब्द कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जिले में जनपद में आप सबका हमेशा सहयोग पहले भी बना रहा, यहाँ भी हम आप मिलकर आपस में सहयोग और तालमेल से सभी लोग कार्य करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का कोई हमारी वजह से आपकी वजह से किसी जनता के व्यक्ति को समस्या ना हो और हम लोगों का काम चल रहा। धन्यवाद। मंच पे आसी सभी पीठासीन महोदय और अधिकारीगण, सभा में मौजूद सभी सम्मानित अधिवक्तागण, सभी को मेरा नमस्कार। मथुरा जनपद में मैं लगभग 8 महीने हो गए मुझे आए हुए, परंतु छाता पे जो है वो मेरी पहली पोस्टिंग है, ये मेरे करियर की ही पहली पोस्टिंग है और करियर की एक तरह से एकदम नई शुरुआत है। यहाँ पहले दिन ही जब मैं आई तो अधिवक्ताओं के साथ मेरी पहले दिन ही मुलाकात हुई आप सब लोगों से, और कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरी बात जो है वो आप तक नहीं पहुँच रही या शायद आपकी बात ही मुझ तक नहीं पहुँच रही। एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन अभी तक बहुत अच्छे और सुचारू ढंग से चल रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन आगे भी चलता रहे। हम सब लोग जो यहाँ पर हैं वो इसीलिए हैं कि जितने भी लोग पीड़ित हैं, गरीब हैं या जिनकी समस्याएं हैं, उनका हल हम अपने स्तर से न्यायालयों के माध्यम से जल्द निकाल सकें और लोगों को इंसाफ और न्याय मिले, हम सब इसी के लिए तत्पर हैं और आशा और उम्मीद करती हूँ कि इसी विचार के साथ हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे और आगे एक दूसरे के काम को और सपोर्ट करते हुए और एक दूसरे के काम में एक दूसरे का सहारा देते हुए लोगों को न्याय और इंसाफ दिलवाने की
जो प्रक्रिया है उसको सुचारू ढंग से चालू रखते हुए सबका सहयोग के साथ सबकी मदद करने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।